इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ललितपुर श्री 1008 श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तालाबपुर पर महंत श्री गंगादास जी महाराज की अध्यक्षता में आगामी रामलीला के भव्य आयोजन के संबंध में नगर के गणमान्य जनों एवं समाज सेवियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। प्रोफेसर ओम प्रकाश शास्त्री ने पत्रकारों को बताया कि आगामी 13 अक्टूबर को नरसिंह मंदिर प्रांगण में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी की सहमति से एक विशेष सहयोगी मंडल एवं 15 सदस्य व्यवस्थापक मंडल का गठन किया गया। इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम के साथ रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बैठक का संचालन प्रोफेसर ओम प्रकाश शास्त्री द्वारा किया गया। इस मौके पर शहर के सभी संभ्रांत नागरिक एवं समाज सेवी जन उपस्थित रहे। आज जो बैठक हुई है लक्ष्मी नरसिंह मंदिर धर्मशाला में, किस संबंध में हुई है और क्या है? लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के तत्वावधान में विगत 60 वर्षों से श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर प्रांगण में रामलीला का आयोजन होता आया है। इस वर्ष पुनः श्री नरसिंह मंदिर प्रांगण में 13 अक्टूबर से होने वाले श्री रामलीला मंचन के विषय में परम पूज्य महंत गंगादास जी महाराज जी की अध्यक्षता में नगर के गणमान्य लोगों की, समाज सेवियों की एक बैठक का आज आयोजन था, जिसमें श्री रामलीला के आयोजन हेतु एक विशेष सहयोगी मंडल का गठन किया गया तथा एक 15 सदस्यीय व्यवस्थापक मंडल का गठन किया गया, जो 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर प्रांगण में भव्यतम दिव्यतम रामलीला का मंचन किया जाएगा। संपूर्ण रामलीला का संरक्षण और संरक्षक के रूप में श्री मंदिर में विराजमान श्री नरसिंह भगवान हैं और उनके परम पूज्य जगत गुरु श्री मलुक भी। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।